नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, देखिए शायद आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 नवम्बर 2021 की आपकी राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, के साथ बात करते हैं यशु में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन्हें सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन रविवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और ज्येष्ठा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो अति गण्य नाम का शुभ योग रात्रि के 7:08 रहेगा, उसके उपरांत ही शुक्रवार नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, दिन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 4:18 से लेकर शाम के 5:41 तक। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि में संचार कर जाएंगे। दोस्तों, वक्त भी सिखाता है और गुरु भी, पर दोनों में फर्क इतना ही है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। दोस्तों, आदमी की सोच और नियत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ये वक्त अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन को ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी को ले गया। दोस्तों, वक्त वक्त को बदल देता है, बस वक्त को थोड़ा वक्त दो। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं और वक्त पराया हो जाए तो अपने भी पराए हो जाते हैं। दोस्तों, साथ रहते रहते वक्त यूं ही गुजर जाएगा, दूर होने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये फल जब हम साथ साथ हैं, कल का क्या पता वक्त कहाँ ले जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय परिस्थितियाँ अति अनुकूल है, कार्य आसानी से संपन्न होंगे, आपका अधिकतर ध्यान स्वयं के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। अपने भावी लक्ष्यों के प्रति मेहनत तथा सुनियोजित ढंग से कार्य करने से काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। घर में किसी नज़दीकी मेहमानों के आने से भी खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में बाहरी लोगों के साथ मिलते जुलते आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। अत्यधिक क्रोध करने की स्थिति से बचें, विद्यार्थी का ध्यान जो है पढ़ाई से भटक सकता है। तो दोस्तों, यश में आप फालतू गतिविधियों में ध्यान न लगाएं और अपने पढ़ाई पर ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आपको काम वक्त पर पूरा करने की कोशिश करनी होगी। अचानक से नए कामों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बनी रहने की वजह से आपकी भागदौड़ी भी हो सकती है, लेकिन सभी काम आपके पूरे होने वाले हैं। विचारों में सरलता और एकलता आने की वजह से आपके द्वारा हुए सभी निर्णय उचित ही साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों, पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर आपका वर्चस्व भी यश में बढ़ने वाले हैं। आपके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आएंगी, पेशा आने के साथ साथ वह की भी स्थिति बनी रहेगी, परंतु आर्थिक स्थिति यश में संतुलित रहेगी। कुछ नज़दीकी लोगों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, आर्थिक निवेश संबंधी बातों पर दोबारा विचार अवश्य करें। दिन की शुरुआत में ही कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है, भाइयों के साथ मतभेद की आशंका भी बन रही है। ज़्यादा दिखावे की प्रवृत्ति से बचें तथा अपने क्रोध पर यश में नियंत्रण रखें, ये आपके यश समय के लिए बेहतर होंगे, तो इस पर जरूर गौर करें। और दोस्तों, यश में पेशे के मामले में जो दिन है आपके लिए बहुत ही विशेष और लाभदायक साबित होगा।
पैसे के संबंधित चिंता आपकी यश में कम होने लगेंगी, जिसकी वजह से व्यक्तिगत प्रगति की तरफ आपका यश में ध्यान हो सकता है, इनमें आप ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, यश में परिवार के कुछ व्यक्तियों के साथ आपकी नाराजगी भी बनी रहेगी, फिर भी संवाद बनाए रखने की कोशिश करते रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी विनम्र और मधुर स्वभाव की वजह से लोकप्रियता आपकी बनी रहेगी। कुछ पुराने मतभेदों का भी निवारण यश में हो सकता है, बशर्ते आपको कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों कोशिश जरूर करें। संतान संबंधी किसी समस्या का हल भी यश में मिलेगा, जिनसे उन्हें सुकून भी मिलेगा और भाइयों के साथ किसी परेशानी में उनकी मदद करने से आपको आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में सपनों की दुनिया में न रहें, इनसे बाहर आएं और हकीकत को समझ कर कार्य करें। जी हाँ दोस्तों, ये यश में आपके लिए बेहतर साबित होंगी। आपके कुछ निर्णय भी यश में गलत साबित हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। कुछ समय आत्ममंथन या फिर आत्मचिंतन व फिर मनन करने की कोशिश करें, मनन करने में समय लगाएं, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन वक्त पर न मिलने की वजह से पूरी मन की चंचलता बनी रह सकती है। आपको बता दें कि दोस्तों आपको स्वयं बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता होगी, इनमें ध्यान देने की अत्यधिक आवश्यकता होगी। भाई या फिर बहन के साथ हो रहे विवादों के कारण मानसिक तकलीफ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो संबंध फिर से बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी लगन और हिम्मत द्वारा कोई अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना बन रही है या फिर लाभ मिलने वाली है। तो दोस्तों कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें। कोई पुष्यनेति जमीन ज्यादा संबंधी कार्य रुका हुआ है, तो दोस्तों यश में उनका हल मिलने की उम्मीद है। आपकी अपने काम के प्रति समर्पण की भावना आपके लिए नए मार्ग यश में खोलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कोई पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके अंदर आत्मा बल में कुछ कमी आ सकती है। आपको बता दें कि अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान स्वयं रखें, किसी अन्य पर विश्वास करना आपके लिए इसमें हानिकारक रहेगा। कोशिश करके अपने काम स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें। दोस्तों यश में आपके लिए बेहतर साबित होंगे, तो बिल्कुल भी लापरवाही यश में ना करें। और यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि सेहत से संबंधित बातों में अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता होगी। पुरानी बीमारी फिर से तकलीफ दे सकती है, इसलिए दोस्तों अपने खान पान में बड़ा बदलाव लाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। चाहकर भी आप कुछ बातों को अपने पक्ष में नहीं कर पाने की वजह से आपके ऊपर तनाव भी यश में बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों यश में आपको धैर्य और संयम का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय में नए अनुबंध आपको मिलने वाले हैं। समय का भरपूर सदुपयोग करें। यश में पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें, परंतु ध्यान रखें कि कोई गोपनीय बात भी उजागर हो सकती है। पार्टनरशिप कार्यों के लिए समय यश में अनुकूल है। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यश में व्यावसायिक कार्यों में मेहनत ज़्यादा और लाभ कम की स्थिति भी रह सकती है। अगर कोई नया काम आरंभ किया है तो परेशान होने के बजाय धैर्य और संयम बनाकर रखें, धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर आप अवश्य अमल करें, ये आपके लिए यश में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि अपने कार्य करने की प्रणाली में थोड़ा बदलाव लाएं, आपको अपने मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के प्रति ज़्यादा सजग रहें, कोई गलती होने से इंक्वायरी बैठने की आशंका भी लग रही है। बेहतर होगा कि दूसरों पर अधिक विश्वास ना करें और अपने कार्यों पर स्वयं ही ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें व्यवसाय में अपने कामों को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद लाभदायक परिस्थितियां बन रही है। भूमि संबंधी कार्यों में अच्छा लाभ होने की उम्मीद बन रही है। नौकरी पेशा अथवा व्यवसाय में किसी प्रकार का पेपर संबंधी गड़बड़ी होने में दिक्कत आ सकती है, तो इनसे सावधान रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर कभी कभी नोक झोंक भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे,
आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक सदस्यों के साथ खरीदारी संबंधी प्रोग्राम भी यशमय बनेंगे। एक साथ सभी के साथ उचित समय बिताने से सभी को खुशी महसूस होगी। और इसके साथ दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य की कमी भी रहेगी, जिसकी वजह से दूरियां तो आ सकती है, किसी मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। ये आपके लव लाइफ के लिए और प्रेम संबंध के लिए यशमय बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करके अपने काम पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों यशमय शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान हावी रह सकती है, तो समय समय पर आप आराम जरूर करें। आराम लेना आपके लिए यशमय अति आवश्यक होंगे, तो इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय नजला जुकाम जैसी परेशानी भी रह सकती है, सर्दी से अपना बचाव रखें तथा व्यवस्थित खान पान लें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों अगर आप शादी को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु समय समय पर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और यह समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफ़ेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 6।